नमस्ते प्यारे बच्चों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम प्रेयर के साथ। नाउ फोल्ड योर हैंड्स। शक्ति हमें दे टॉपिक इज ऑक्टोपस, पेज नंबर 26। आइए बच्चों, कुछ पिक्स देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऑक्टोपस है और टॉपिक में भी लिखा हुआ है ऑक्टोपस हिडन एनिमल, है ना। तो कलर द पिक्चर एज शोन टू फाइंड द आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस। ये एक ऑक्टोपस है और इस ऑक्टोपस की आर्म्स जो हैं वो इसमें हिडन है, यानी एक तरीके से यहाँ पर आपके साथ एक गेम चल रहा है, उसमें आपको आर्म्स ढूंढनी है ना। ये देख रहे हैं ना, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसकी आर्म्स मिल जाएंगी बच्चों। और आर्म्स को इन्होंने, जैसा कि इस कंपोजिशन में इन्होंने दिखाया है कि इसमें जो आर्म्स बनाई हैं वो काफ़ी कलरफुल बनाई हैं बच्चों। ये जो ऑक्टोपस होता है ना, ये पानी में रहने वाला एक एनिमल है, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी आर्म्स होती हैं और ये काफ़ी डेंजरस भी होता है बच्चों। मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ऑक्टोपस कैसे होते हैं और ये किस तरीके से चलते हैं और क्या इनकी मूवमेंट क्या होती है बच्चों। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो आप ज़रूर ध्यान से देखना बच्चों। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑक्टोपस की आर्म्स को ढूँढेंगे और उसमें कलर करेंगे, है ना। काफ़ी लचीली इसकी आर्म्स होती हैं, जिधर चाहें उधर ऐसे ऐसे मूव करती हैं ये। तो इसकी आर्म्स ढूंढना है हमें और उनमें कलर करना है बच्चों। यहाँ पर इस कंपोजिशन में हमने
इस ऑक्टोपस की आर्म्स को तैयार कर लिया स्केच पेन से, यानी ढूंढ लिया। ठीक है, अब हमें इसमें कलर लगाना है। तो कलर भी इन्होंने काफ़ी, इस पूरे ऑक्टोपस को काफ़ी कलरफुल दिखाया है। ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पर भी इसकी आर्म्स हैं वहाँ पर इन्होंने देखिए ग्रीन का और येलो और साथ में ब्लू का टच दिया हुआ है, तो वो ऑक्टोपस जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बाकी की जगहों पर आप अपनी मर्जी का कलर भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा कलर यूज़ करें, जैसा हमने बताया है आपको, येलो ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए इसमें येलो इस पूरी आर्म्स में यहाँ पर इस तरीके से, मैंने आर्म्स ही आर्म्स केवल आपको इसलिए शो करके बताई हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और आप उसको आसानी से ढूंढ सकें। इसी के साथ इस तरीके का भी ग्रीन लगा सकते हैं और थोड़ा सा इसमें डार्क ग्रीन का भी टच दे सकते हैं। बच्चों, इस पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इसमें कलर का टच रखेंगे बेटा, और थोड़ा सा कहीं कहीं पर आप इसमें ब्लू का टच लगाएंगे, सॉफ्टली टच लगाएंगे। तो बच्चों करना स्टार्ट करिए इस काम को जिस तरीके से बताया है, और ये आपका जो ऑक्टोपस है ये देखिए मुस्कुरा भी रहा है, हंस भी रहा है। ठीक है, तो आप भी इसको थोड़ा सा, इसका फेस जब तैयार करेंगे तो उसमें इस तरह से थोड़ा सा डॉट लगा देंगे तो ये हंसता हुआ फेस इसका तैयार हो जाएगा। जैसा मैं आपको बताया है उस तरीके से आप इसमें कलर कर लीजिए। और जिस भी कलर को लगाएं बच्चों उस कलर को थोड़ा सॉफ्ट हैंड से लगाइए, ठीक है, ताकि इसके ऊपर हम दूसरा कलर का यूज़ कर सकें। बच्चों यहाँ पर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इस कलर को कर लिया है बच्चों। ठीक है, अब इसका आसपास का एरिया जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी रेड से, रेड का जो शेड है वो लगाया हुआ है, तो ठीक इसी तरीके से हम इन कलर्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे बच्चों। और चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ऑरेंज कलर का लगाएंगे हम, और इस जगह पर थोड़ा सा पिंक का टच रखेंगे, जहाँ जहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है पिंक है या रेड है ऑरेंज है, तो इस इन कलर्स को हम यूज़ करते चलेंगे। और इसी तरीके से हम पूरे इस कंपोजिशन को कंप्लीट कर लेंगे बेटा। ठीक है, ये मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें फिल कर लीजिएगा। बच्चों इस पूरे ऑक्टोपस में हमने कलर कर लिया, और अब इसके बाहरी वाले पार्ट में हम यहाँ पर कलर से आउटलाइन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बेटा आप लोग भी इसमें पूरे में आउटलाइन करेंगे प्रॉपर वे में, थोड़ा सुंदर दिखने में लगेगा ये। और आउटलाइन जब करेंगे तो थोड़ा सा संभाल करके हाथ चलाएंगे जिससे ये अच्छी आउटलाइन निकले। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये कंपोजिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ऐसा ही सुंदर सा कंपोजिशन आप हमें बना करके सेंड करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट हम वीडियो में आपके लिए कुछ और नया लेकर के आएंगे बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय, फिर मिलते हैं।